नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया जाए तो आप किस तरीके से इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरा जानकारी को बेहतर तरीके से आप सुनिएगा और उसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा तो ऑब्वियसली आप सभी का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो उस पर जो फॉलोअर्स होंगे वो काफी मात्रा में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो जिस तरीके से इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल गया है, तो इंस्टाग्राम पर आप सभी को पता है कि जितना ज्यादा फॉलोअर होता है आपको खुशी महसूस होता है कि मेरे इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि बिना काम किए हुए, मतलब ऐसे ही मैं बना दूं फालतू में इंस्टाग्राम आईडी और मैं फोटो डालते रहूं तो हमारा फॉलोअर बढ़ जाए, तो ऐसे कतई भी नहीं बढ़ता है। और बढ़ते भी हैं तो कोई रिस्पॉन्ड टाइम नहीं होता है और कोई उसका आउटपुट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको कुछ एक फेमस पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, लोगों के बीच एक अलग परसेप्शन बनानी पड़ेगी, लोगों के अंदर एक जो है एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। पहचान जब बनाते हैं तो उसके माध्यम से लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, तो आप देखते होंगे कि सिंगर्स जो होते हैं उनके ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, जो एक्टर्स होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग होती है, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग होती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग होती है। तो जितने भी ज्यादा मात्रा में आप किसी का फैन फॉलोइंग देखते होंगे तो जरूर वो इंसान, वो आदमी, वो व्यक्तित्व जो है कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, जिससे उनका पब्लिकली जो रिस्पॉन्स है वो लोगों से मिल रहा है और उसी की वजह से उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। तो अब मैं उन लोगों के लिए नहीं बताऊंगा जो कि एकदम कुछ है ही नहीं और इंस्टाग्राम पर वो कर दिए और सोचे कि हम फॉलोअर बढ़ाए, उनके लिए बहुत बहुत रेयरली होता है। लेकिन अगर आप कुछ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप वीडियोज बनाते हैं, तो वीडियो से कई सारे लोग जुड़ते हैं, तो वीडियो के अंत में बताया कीजिए कि भाई आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे। इसके बाद लगातार हर वीडियोस में आप जानकारी देते रहें, कम्युनिटी में डालते रहें कि भाई मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। इसके बाद आप जो है कस्टमाइज जब करते हैं तो वहां पर भी अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है वो लगा दें वहां पर, ताकि आपको इजिली लोग जो है एक्सेस कर सके। और आप कोशिश करें कि हर जगह आप ये चीज बोल दें ताकि कोई भी आपको अगर खोजना चाहे, सर्च करना चाहे तो आसानी से आपको कहीं भी सर्च कर सके। तो ये एक मार्केटिंग का ब्रांड होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बढ़ाऊं, सही में रियलिटी में अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाऊं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप फोटोज डालते हैं ना, तो जब आप फोटोज डालते हैं तो उस फोटोज से रिलेटेड जो है जितना भी हैशटैग होता है, जितना भी हैशटैग है, मान लीजिए आप सिंगर हैं तो सिंगर हैशटैग, स्टेज शो, सिंगर विथ एक्ट्रेसेस, सिंगर लाइफ, सिंगर एक्टिविटी, सिंगर सॉन्ग्स, लाइक जितना भी हैशटैग बनता है और जब आप हैशटैग करते हैं वहां पे, तो वहां पर आया रहता है कि कितने लोगों को ये पीपल जो है हैशटैग के साथ लगाए हैं। तो जो ज्यादा लगाया हुआ है हैशटैग, उस पर आप हैशटैग पे क्लिक करके ऐसे लगातार कई सारे 50-100 डालते रहिए हैशटैग। उससे क्या होगा कि जो भी आप फोटोज डालेंगे उस हैशटैग के लोगों के पास आपका भी कहीं ना कहीं फोटोज या वीडियोज जाएगी। तो वहां से जब जाएगी, लोगों को अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आपको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ जरूर ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, तभी जो है आपका जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं वो बढ़ पाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, रैंडमली किसी को फॉलो करते रहिए, डेली 100 फॉलो कीजिए, डेली को 100 फॉलो कीजिए। तो अगर आप डेली 100 फॉलो करते हैं तो उसमें से 10-15 लोग आपको भी फॉलो कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और फिर बाद में उनको अनफॉलो कर दीजिए और वैसे भी आपको भी वही करेंगे लोग। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो फॉलोअर्स बढ़ेंगे ना वो इम्पैक्टेबल नहीं होगा, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा। वो आप फॉलो कर भी दिए तो आपके फोटोज को लाइक नहीं करेंगे, आपके वीडियोज को लाइक नहीं करेंगे, तो इस तरीके का। लेकिन आप फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक सेक्सी लड़की होना पड़ेगा, आपको एक आर्टिस्ट होना पड़ेगा, आपको एक यूट्यूबर होना पड़ेगा और आपको कई सारी कैटेगरीज की जो चीजें होती है एक पब्लिकली डोमेन में फेमस होना चाहिए, तभी आपके लोग बढ़ेंगे और लोग आपसे कनेक्ट कर सकेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका फॉलोअर आसानी से बढ़ सकता है। अगर आप कुछ करते ही नहीं है, बस ऐसे ही फोटो डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि फॉलोअर बढ़ जाए, फॉलोअर बढ़ा लीजिएगा फ्रॉड काम करके, इधर उसको फॉलो करके उसको फॉलो करके, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, फिर वही जीरो इनपुट आएगा, जीरो आउटपुट आएगा, कोई लाइक नहीं करेगा कोई। तो इस तरीके से, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को एक ब्रांड बनाइए और उसके माध्यम से प्रमोट कीजिए। दूसरा चीज यह है कि आप कुछ करते हैं तो उसको हर जगह पब्लिकली डोमेन में डालिए कि भैया आप मुझे वहां फॉलो कर दो, आप मुझे वहां फॉलो कर दो, एवरीवेयर जस्ट फॉलो मी।
तो वहां से आप लोग को लोग फॉलो करेंगे। और ऐसे भी कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है कि लोग जाएं और आपको फॉलो कर दें, कुछ नामी पहचानी होते हैं तभी जाकर आपको मिलता है। तो ये थोड़ा कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है और इसी रियलिटी के अनुसार जो है फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पर आते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को एक बार ब्रीफ करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।